हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो के शेल है और एल शेल है, दिस वन इज़ के शेल, दिस वन इज़ एल शेल। सो एल शेल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सो हमारे पास जो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में जो 1 इलेक्ट्रॉन है हिस्सा लेगा बॉन्डिंग में। ठीक है ना, सो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग में। सो बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और उसके रिजल्ट में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s की मैंने यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हुई है। 2s2 ऑफ 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन से हम बात करें हैं N2 की। ठीक है, एक नाइट्रोजन का 2s ये, दूसरे नाइट्रोजन का 2s ये, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे फिल हो जाएंगे, दो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो 2px, 2py, 2pz के थ्रू हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, 2px, 2py, 2pz ऑफ 1 नाइट्रोजन, 2px, 2py एंड 2pz ऑफ अदर नाइट्रोजन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। ठीक है, सिंपली ये हमारे पास ये वाले 2px, 2py, 2pz है जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है कि हमारे पास इन ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा और उस लीनियर कम्बिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा लो एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हमारे पास स्पेस पूरी हो गई, ये बेसिकली एम्प्टी रहेगा। हमारे पास कोई भी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करें। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम है नाइट्रोजन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आप देखिए हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या था, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास यहाँ से देखें, पहले जो 2s की डायग्राम है उसमें हमारे पास बॉन्डिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है ना, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स ये, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने लिख दिए, 8 - 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s के हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको डिवाइड करना है 2 से, हमारे पास आंसर आएगा 3। सो बेसिकली 2 नाइट्रोजन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई होते हैं। ठीक है, अब हमने बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी इसकी देख ली है। अब हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा और या फिर डायमैग्नेटिक शो करेगा। हमने बात की थी पैरामैग्नेटिक, वो बेसिकली जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और डायमैग्नेटिक में पेयर्ड होंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सो ये हमारे पास यहाँ पे डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर देखना है। ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर किस तरह से हमारे पास यहाँ पे है, सिग्मा 2s, ये हमारे पास सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके अंदर, सिग्मा 2s2 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, लो एनर्जी लेवल पे मौजूद है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 2s, ये इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा 2px पाई 2py एंड पाई 2pz मौजूद है, दोनों ही इक्वल एनर्जी लेवल पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की एनर्जी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस, सो सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे इसके लिख दिए। ठीक है, अब अगेन ऊपर आ जाएंगे, अब इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz,
ठीक है। अब नेक्स्ट, इन दोनों की एनर्जी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 2px। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन है, ना पाई स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही हमारे पास सिग्मा स्टार 2px में कोई इलेक्ट्रॉन है। सो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। ओवरऑल नेक्स्ट अब हमने स्टडी करनी है डिफरेंट हमारे पास जो है एटम्स के साथ, जो हमारे पास डायटोमिक एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टडी करना है। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अब हमने MOT की एग्जांपल्स को स्टडी करना है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल HF की मुझे, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब कि डिफरेंट एटम्स के, जो बेसिकली डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि HF है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। डिफरेंट एटम्स के साथ हमने जो है एग्जांपल्स को स्टडी करना है। फर्स्ट हमने एग्जांपल यहाँ स्टडी करनी है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा साइड पे लिखते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो देखें, 1s 2s 2px 2py 2pz। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने इस तरह से कर ली है, इस तरह से भी कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, दो इधर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से फिलिंग कर ली है। अब हमने क्या करनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है HF की, ठीक है। अब वो देखिए किस तरह से बनेगी, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s, ठीक है। थ्री, और ये इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारे पास बनेगी HF की। ये हमारे पास हाइड्रोजन का 1s, 1s फॉर हाइड्रोजन, ये हमारे पास है 2px 2py 2pz। 2px में दो इलेक्ट्रॉन्स, 2py में दो इलेक्ट्रॉन्स, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, और 1s में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे है सिग्मा SP, सिग्मा स्टार SP, दिस वन इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल। अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का सिर्फ 1s मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोरीन है उसका 2px 2py 2pz तीनों ही मौजूद है। अब यहाँ पे ये होगा कि 1s ऑफ वन हाइड्रोजन लीनियरली कंबाइन विद द 2pz, ठीक है। एक ऑर्बिटल p के, बेसिकली 2p के एक ऑर्बिटल के साथ लीनियरली कंबाइन होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन लीनियरली कंबाइन होगा, और कम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा और एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। जो बाकी के जो दो हमारे पास होंगे, जिनके पास, जिनमें हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सो वो बेसिकली एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के तौर पे इस तरह से पाए जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे मौजूद होंगे। बेसिकली जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p बॉन्डिंग में हिस्सा लेके हमारे पास यहाँ पे सिग्मा SP और सिग्मा स्टार SP बनाएंगे। सो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कर दिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न है कि 2py और 2pz ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मजीद हाइड्रोजन का कोई ऑर्बिटल है ही नहीं जिसके साथ ये ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होके जो है ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करें, ठीक है ना। सो नो मोर हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर 2py एंड 2pz।
ठीक है। सो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और सिंगल इलेक्ट्रॉन 2p का बॉन्डिंग में हिस्सा लेके सिग्मा sp और सिग्मा स्टार sp बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हमारे पास क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ठीक है ना। दोनों के ऑर्बिटल्स में आपस में डिस्टेंस पाया जा रहा है, ये थोड़ा हाई लेवल पे मौजूद है या थोड़ा लोअर लेवल पे मौजूद है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज़ मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हमारे पास जो फ्लोरीन होती है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में जो डिफरेंस है, इस वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन है वो लो लेवल पे पाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हमारे पास ये लोअर लेवल पे मौजूद है और हाइड्रोजन हायर लेवल पे मौजूद है, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, ये भी हमारे पास डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से हम लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग में मौजूद है और कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में मौजूद नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। सो बेसिकली हमारे पास सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इन HF, ठीक है। सो दिस इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह से आप बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर किस तरह से लिखेंगे? सिग्मा sp के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लो एनर्जी लेवल पे मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार sp। सो दिस इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड।